बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास महादेव फ्लावर डेकोरेशन के साथ। हनुमान मंदिर गली 5 सिविल लाइन सागर मध्य प्रदेश। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में जब प्रेम की गजब कहानी मिली देखने, पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है ये महिला। प्रेमी जोड़े ने एसपी से लगाई गुहार, पति पर लगाए मारपीट करने के आरोप। विदिशा में संत रविदास जयंती के आयोजन में शामिल हुए स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी। पीतल मिल तिराहे पर सभा को किया संबोधित, शोभा यात्रा को किया रवाना। कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने देश में फैले मंदी के माहौल के बीच प्रदेश में मंदी ना होने की कही बात। साथ ही केंद्र सरकार की नोटबंदी को रोजगार ठप होने और कारोबार बंद होने के लिए ठहराया जिम्मेदार। बैतूल में भैंसदेही एसडीएम और पुलिस के हमले ने रेत माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। होशंगाबाद और बैतूल से फर्जी रॉयल्टी के जरिए महाराष्ट्र भेजी जा रही रेत के करीब 35 डंपर गुड़गांव चौपाटी से किए जब्त। पकड़े गए रेत डंपर संचालकों में मचा हड़कंप। विदिशा के ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति महिला के पति ने नर्स पर प्रसव कराने के एवज में 500 रुपए लेने का लगाया आरोप। वीडियो भी आया सामने जिसमें महिला नर्स पैसे के लेन देन की कर रही है महिला के पति से बात। विदिशा के कोतवाली थाना और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। दोनों चोर रिश्ते में लगते हैं जीजा साले। आरोपियों के पास से 7.5 लाख रुपए के जेवर और 3 लाख रुपए की नकदी हुई बरामद। शिवपुरी जिले के भोती थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुले में शौच करने गए दो सगे भाई बहनों की नहर में डूबने से हुई मौत। सागर जिले के बीना रेलवे स्टेशन पर टिकट निरीक्षक को एक युवक से टिकट मांगना पड़ गया महंगा। जुर्माने की रसीद बनाए जाने से नाराज युवक ने परिजनों को बुलाकर टीसी ऑफिस में घुसकर की जमकर मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय विद्यार्थी सेना छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। विद्यार्थी सेना ने कुलपति नामक भैंस के सामने बजाई बी। विदिशा के बरईपुरा क्षेत्र में रहने वाले नीलेश जैन नाम के युवक ने की थी करीब 3 माह पहले आत्महत्या। साथ ही युवक ने आत्महत्या के साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखे थे 7 लोगों के नाम, जिसमें से नहीं हुई अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी। जैन समाज के लोगों ने कोतवाली में किया जमकर हंगामा। बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास महादेव फ्लावर डेकोरेशन के साथ। शादी विवाह, जन्मदिन एवं सभी मांगलिक कार्यक्रमों का इवेंट प्लानर। फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, फ्लावर डिलीवरी के लिए संपर्क करें महादेव फ्लावर डेकोरेशन। फ्लावर डिलीवरी के लिए संपर्क करें महादेव फ्लावर डेकोरेशन, हनुमान मंदिर गली 5 सिविल लाइन सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9685837495 7697505183।